वेलकम टू MBA किचन वैली चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। तो देखिए ये कैसे हैं। तो हमने यहाँ पर एक जामुन निकाल लिया है ताकि आप देख सकें कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं, कि इसे हमने तोड़ा और ये तुरंत टूट गया। तो चलिए जानते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है मैदा और खोया। तो हमें मैदा 100 ग्राम लेना है और आधा किलो हमने यहाँ पर खोया लिया है। खोया आपको बहुत लच्छेदार चाहिए ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट बन सके। और उतने ही हमें आधा किलो चीनी लेनी है, सोडा लेना है और 4 इलायची हमने यहाँ पर कूट ली है। तो एक बोल में हमने सारे खोए को ट्रांसफ़र कर दिया है ताकि उसको हम मिक्स कर सके मैदे के साथ। तो जो हमने यहाँ पर मैदा निकाल कर रखा हुआ था उसको हमें एक साथ यहाँ पर नहीं डालना है। पहले हमें खोए को अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर आप हाथ का यूज़ करेंगे तो खोया जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जो इलायची पाउडर हमने यहाँ पर बना के रखा है उसको हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है, क्योंकि इलायची की जो खुशबू है वो रसगुल्ले में बहुत ज़रूरी होती है। तो मैदा हमने जो निकाल के रखा है उसको हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। याद रखिएगा, मैदा हमें एक साथ नहीं मिक्स करना है क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो है वो सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें धीरे धीरे करके इसको डालना है ताकि जो इसका मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो सके मैदे के साथ। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर सोडा लिया है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा हमें सोडा नहीं चाहिए। तो 2 पिंच सोडा डाल के हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब आप देख सकते हैं एक प्लेट हमने ली है जिसको हमें ऑयलिंग करनी है, ग्रीस करना है। तो अपने हाथों से आप ऑयल लगाकर इसको चारों तरफ स्प्रेड कर दीजिए ताकि हम जो यहाँ पर बॉल्स बनाएंगे रसगुल्ले की वो इसमें चिपकेगी नहीं। तो हमने पूरी तरीके से प्लेट पे ग्रीसिंग कर दिया है। तो अब देखते हैं कि हमें बॉल कैसे बनानी है और अपने हाथों में भी तेल को अच्छे से लगाना है ताकि आपका जो आटा है वो हाथ पे चिपके नहीं। तो हमने स्पून से निकाल कर आटे को हाथ में लिया है और उसे गोल गोल हमें शेप देना है। तो अपने दोनों हाथों से उसको आपको बॉल्स बनानी है। तो देखिए हमारी एक बॉल रेडी हो गई है। अब हम दूसरी बॉल बनाकर आपको दिखाते हैं। बॉल्स आपको बहुत बड़ी नहीं बनानी है, मीडियम से आपको थोड़ी स्मॉल ही रखनी है, क्योंकि जब इसे हम फ्राई करेंगे और चाशनी में डालेंगे तो इसका साइज जो है वो डबल हो जाएगा। देखिए हमारी सारी बॉल्स यहाँ पर बनके तैयार हो गई है। तो ये अभी से आपको बहुत अच्छी दिख रही होगी, लेकिन जब ये हम फ्राई करके चाशनी में डालेंगे और आप इसे खाएंगे तो अब आपको पता चलेगा कि ये कितनी सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमने गैस को ऑन कर दिया है और हमने यहाँ पर एक पतीली ले ली जिसको हमने गैस पे रख दिया चाशनी बनाने के लिए। तो अभी हमें इसमें डालना है चीनी। तो जितना हमने यहाँ पर खोया लिया था उतनी ही हमें यहाँ पे चीनी भी चाहिए। तो सबसे पहले हम चीनी को इसमें डालेंगे। तो हमने यहाँ पे चीनी निकाल कर रखा हुआ है और उसको हम डाल देंगे। तो चीनी आप एक साथ पतीली में डाल सकते हैं। ये देखिए हमने चीनी को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमें पानी निकाल के रखना है और इलायची भी जो हमने निकाल के पीस के रखा था पाउडर बना के उसको भी हमें डाल देना है। पानी की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसी से शीरा जो है वो बराबर बनेगा। तो हमने यहाँ पर अभी 2 बोल पानी डाला हुआ है। जितने आपके रसगुल्ले रहेंगे उससे ज़्यादा चाशनी रहेगी, क्योंकि चाशनी में ही रसगुल्ले जो होते हैं डिप किए जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे 3रा बोल पानी लिया है और 1 बोल ऑयल लिया है। तो टोटल हमने यहाँ पर 4 बोल पानी डाले हैं और चीनी की क्वांटिटी तो आपको पता है। तो इसे हम थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस का फ्लेम हम हाई पे ही रखे हैं और हमें जो चाशनी बनानी है वो हमें एक तार की ही बनानी है, बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं करनी है। तो देखिए अभी ये बॉयल हो गई है और अब हम इसे चेक करेंगे कि चाशनी हमारी जो है वो एक तार की बनी है कि अभी नहीं बनी है। लेकिन अभी देखने में ये हमें
ये देखिए, अब हम चेक कर रहे हैं हमारी जो चाशनी है वो हमारे हाथों पे चिपक रही है। इसका मतलब है कि एक तार की चाशनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो उसको हम साइड पे रख देंगे थोड़ा ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हमने गैस पे अपनी कढ़ैया को रख दिया है जिसको हम इसमें रसगुल्ले को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमने तेल का यूज़ किया है और हमें इसमें तेल डालना है लगभग। हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल आधा लीटर का डाल दिया है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए रखेंगे और उसके बाद हमें स्लो मीडियम पे आंच पे फ्राई करना है। तो हमने एक गोली यहाँ पर डाल के देखी है और वो फ्राई हो गई है। तो इसका मतलब हमारा तेल जो है वो रेडी हो गया है छानने के लिए। तो हम वन वन एक एक करके सारी बॉल्स को उसमें डाल रहे हैं। ये देखिए, अब वो बॉल्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं फ्राई होने के लिए। तो हम इसमें सारी बॉल्स को डाल दिए हैं और आपको दिखाते हैं कि धीरे धीरे ये कितने अच्छा कलर अभी ले लेगी। तो हमारी बॉल्स जो है वो फ्राई हो रही है। हमें इसको धीरे धीरे तेल को स्पून से ऊपर ऊपर डालना है और एक एक बॉल्स को पलटना है। आप देख सकते हैं कुछ बॉल्स हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है, उसका कलर भी दिख रहा है आपको रसगुल्ले की तरह। और जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा तो ये आपको एकदम रेडीमेड रसगुल्ले का स्वाद देगा। तो कुछ बॉल्स हमारी रेडी हुई है और कुछ अभी हमारी रेडी नहीं हुई है। तो हमें इसको धीरे धीरे करके पलटते रहना है और इसे जलने नहीं देना है। हमें बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे थोड़ा ब्राउन कलर में लाना है। अभी ये ऑरेंज कलर है तो इसे हम 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। रसगुल्ले तो सबके फेवरेट होते हैं, हम लोगों के तो बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब कभी मन होता है तो फटाफट हम लोग घर पे रसगुल्ले बना लेते हैं और सभी को बहुत पसंद आते हैं। जो गेस्ट भी आते हैं वो भी सोचते हैं कि ये बाजार के रसगुल्ले हैं, लेकिन पता चलता है कि ये तो घर के ही रसगुल्ले हैं। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत सिंपल है, बस आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए जो कि हमने मेंशन कर दिया है इसमें। तो आप उसे देख के ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी जो बॉल्स है अब वो पूरी तरीके से ब्राउन हो गई है। तो आप ये खुद भी देख सकते हैं कि कितने अच्छा कलर इसका आ रहा है कि आप इसको देख के ही कहेंगे कि खाने का मन कर रहा है। तो अब हमें इसे यहाँ पर निकालना है। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंजिश और ब्राउन पे ही रखना है, तभी ये अट्रैक्टिव लगेंगे। तो आप देखिए कि कितने अच्छे लग रहे हैं और जब हम इसे शीरे में डालेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अभी हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। तो हम जितने भी एक्स्ट्रा तेल है जो उसका ऑयल लगा हुआ है, स्पून से उसको हमें धीरे धीरे चाल के निकाल लेना है और डायरेक्टली हमें उसको शीरे में डालना है। तो शीरा जो है हमारा वो बहुत गर्म नहीं है, उसको हमने कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। बट याद रखिएगा, शीरा थोड़ा सा वार्म रहे, थोड़ा सा गर्म रहे, ताकि अंदर भी रसगुल्ले में जो शीरा है वो अब्सॉर्ब हो जाए। अगर शीरा ठंडा हो जाएगा तो वो अंदर तक रसगुल्ले में नहीं जाएगा और आपका जो रसगुल्ले की बॉल्स है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो हमने जितने रसगुल्ले थे धीरे धीरे करके उसको शीरे में डाल दिया है और ये रहा हमारा रसगुल्ला जो कि एकदम रेडी हो गया है। और देखने में, इसको देखकर आपके मुंह में पानी तो आएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।